नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एसएससी एग्जाम प्रिपरेशन में। इस वीडियो में हम ट्रिगोनोमेट्री के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे। ये ट्रिगोनोमेट्री के अप्रॉक्स 500 क्वेश्चंस की सेट होगी और इसी पूरे सेट में हम उन सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो कि डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा ईजी क्वेश्चन हमने आपके लिए आज ईजी क्वेश्चन से लिए हैं ताकि आपको इनिशियल से लूँगी तो आपको समझने में प्रॉब्लम ना होगी। तो आइए देखते हैं, हमारा सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, यदि पी साइन थीटा इक्वल टू रूट थ्री तथा पी कॉस थीटा इक्वल टू वन हो तो पी का मान कितना होगा। अब हम इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इसे बनाने के आपके ट्रिगोनोमेट्री के क्वेश्चंस क्या होते हैं कि बनाने के बहुत सारे तरीके होते हैं, बस आपके माइंड को डेरिवेट करने हैं। इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे दो तीन तरीके से बना सकते हैं, तो आइए देखते हैं सबसे पहला तरीका हमारा क्या होगा। आपको दे के रखा है क्या, तो पी साइन थीटा इक्वल टू क्या, तो रूट थ्री एंड पी कॉस थीटा इक्वल टू वन। अब आप क्या रखो कि इनको इक्वेशन वन या इक्वेशन टू मान लो, उसके बाद इन दोनों को डिवाइड कर दिया हमने। अब आप सोचिए इन दोनों को डिवाइड करने से हमारा होगा क्या। इतने अब मैं आपको यहाँ पे से हटा देती हूँ, इन दोनों को डिवाइड करके डायरेक्टली देख लेती हूँ। पी साइन थीटा डिवाइडेड बाई पी कॉस थीटा इक्वल टू हो गया रूट थ्री बाई वन, यानी कि रूट थ्री। अब यहाँ से पी कैंसल तो हमारा आ गया क्या, तो टेन थीटा इक्वल टू रूट थ्री। अब आपको ट्रिग्नोमेट्री के चार्ट अगर याद होंगे तो आपको पता होगा कि टेन थीटा इक्वल टू रूट थ्री किस कंडीशन में होता है, जब थीटा इक्वल टू क्या होता है, तो आपको पता होगा जब थीटा इक्वल टू 60 डिग्री होता है तभी हमारा टेन थीटा इक्वल टू रूट थ्री होता है, टेन 60 इक्वल टू रूट थ्री होता है। अब हमें इतना पता चल गया, तो हमसे पूछ रहा है पी का वैल्यू। अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, थीटा इक्वल टू 60 तो हमें पता चल गई। अब हमारा क्वेश्चन था पी साइन थीटा इक्वल टू रूट थ्री, तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, पी इंटू साइन 60 कर दिया, तो साइन 60 इक्वल टू क्या हो जाता है, तो साइन 60 इक्वल टू रूट थ्री बाई टू, तो पी इंटू रूट थ्री बाई टू इक्वल टू रूट थ्री, तो रूट थ्री से रूट थ्री कैंसिल। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से आ गया पी इक्वल टू टू, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। तो ये तो हुआ उसको, इसको आपको एक तरीका से बनाने का मेथड, बहुत ही ज़्यादा ईजी था। हमने सोचा कि ऐसा क्या करें कि हमारा थीटा का वैल्यू ईजिली आ जाए। हम सोच रहे कि अगर पी साइन थीटा इक्वल टू रूट थ्री होता तो अगर हम इससे सोचते तो साइन थीटा इक्वल टू रूट थ्री बाई पी, हमें थोड़ा सा समझ नहीं आता, थोड़ा सा अजीब लगता तो हम इसे छोड़ के आ जाते। नहीं, आपको छोड़ने नहीं है, हम इसमें और क्या क्या कर सकते थे, तो डिवाइड कर सकते थे। उसके बाद हमने इस पी का वैल्यू आसानी से निकाल लिया। दूसरा मेथड क्या है, आपने यहाँ से निकाला साइन थीटा इक्वल टू रूट थ्री बाई पी, अब पी कॉस थीटा इक्वल टू है वन, तो आपका क्या हो जाएगा, तो कॉस थीटा इक्वल टू वन बाई पी। अब आप ऐसा सोचो कि हम यहाँ पे, बिकॉज आपको एट ए टाइम माइंड में क्या आएगा कि रूट थ्री से साइन का क्या फॉर्मूला बनता है, तो साइन 60 इक्वल टू रूट थ्री बाई टू। अब आप सोचो कि अगर हम पी इक्वल टू टू रखते हैं तो कॉस थीटा इक्वल टू वन बाई पी, अगर यहाँ पे भी टू रखते हैं तो क्या दोनों हमारे 60 डिग्री आ रहा है, तो हाँ दोनों आपका 60 डिग्री तो आ ही रहा है, यानी कि पी इक्वल टू टू हो गया। तो ये हो गया आपका दूसरा मेथड बनाने का। आप किसी भी मेथड से इसे सॉल्व करो, आपका आंसर सेम ही आएगा, बस आपका अप्रोच जो भी आपके एट अ टाइम माइंड में आए आप उससे इसे इन दोनों में से किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते थे। तो आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर टू, कह रहा है यदि साइन टू थीटा इक्वल टू वन हो तो कॉस 75 डिग्री माइनस थीटा का वैल्यू क्या होगा। अब हम इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ये भी आपको बहुत ही ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है। इसमें तो आपने वैल्यू पुट किया, आपका आंसर आपके सामने है, आपको दे के रखा है क्या, तो साइन टू थीटा इक्वल टू वन। अब हम देख सकते हैं कि साइन टू थीटा इक्वल टू वन है, अब वन इक्वल टू क्या होता है, तो साइन 90 होता है, तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं साइन के अंदर ये दोनों है। अगर साइन, अब ये सोचो कि अगर हमारा साइन 2 इंटू 45 हो इक्वल टू साइन 90 हो सकता है आपका, तो हम क्या कर सकते हैं, 2 इंटू 45 किसके बराबर है, तो 90 के बराबर। तो सेम अप्रोच आपका यहाँ भी हो गया, हमने बाहर के वैल्यू, बाहर में दोनों जगह साइन थे तो इसके अंदर के वैल्यूज भी सेम हो जाएंगे, तो 2 थीटा इक्वल टू हो गया 90 डिग्री, तो हमारा यहाँ से आ जाएगा थीटा इक्वल टू 90 बाई टू, यानी कि 45 डिग्री। अब थीटा इक्वल टू 45 डिग्री है तो कॉस 75 माइनस थीटा आप आराम से पुट करके निकाल सकते हो, कॉस 75 डिग्री माइनस 45 डिग्री तो आपका हो गया क्या, तो कॉस 30 डिग्री। कॉस 30 इक्वल टू क्या होता है, तो रूट थ्री बाई टू, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ये हो गया आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका। इसमें आपका सबसे ईजी वे यही होगा, आई डोंट थिंक इससे ज़्यादा ईजी आपके लिए कुछ हो सकता था। आई थिंक इसका तो आपको, और भी अगर आप सोचो तो आपका तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा हो कि इसके आगे हम इसके और क्या कर सकते थे, ये तो सबसे
सही कहो तो आपका इकलौता नियम होगा, बिकॉज इसके आगे जो भी नियम होंगे अगर हम इस पे टूट जाए तो हम दूसरे नियम बना सकते हैं, बट वो इससे ज़्यादा इजी नहीं हो सकता है। तो हमारा sin 2θ = sin 90, तो 2θ = 90 यानी θ = 45 हो गया। तो cos 75 - 45 तो cos 30 = √3/2 यानी कि ऑप्शन नंबर C। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखें अगर, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, करें यदि sin θ + cosec θ = 2, तो उसके बाद आपको कह रहा है थीटा जो है 0 से 90 के बीच में है, कि स्थिति में sin⁵θ + cosec⁵θ का वैल्यू क्या होगा। अब हम इसे कैसे सॉल्व कर सकते थे, ये आप सोचो कि इसे हम सॉल्व कैसे कर सकते थे। हमें दे के रखा है sin⁵θ + cosec⁵θ = 2, हमसे पूछ रहा है sin⁵θ + cosec⁵θ = क्या होगा। अब स्टूडेंट इसमें क्या कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स इसमें स्किप करके छोड़ के देते हैं या फिर बहुत ज़्यादा देर तक इसमें वैल्यू निकालते हैं, sin⁵θ + 1/sin⁵θ = 2 करके इस तरीके से वैल्यूज़ निकालते हैं। तो sin²θ + 1 = 2sin⁵θ होता है। अब यहाँ से आप साइन की वैल्यू निकालोगे तो आपका आएगा sin⁵θ = 1। तो हम इतना लंबा क्यों करें, आपको इतना लंबा करने की ही क्या ज़रूरत है, एज्यूमिंग मेथड भी तो कुछ चीज़ होती है जिससे हमारे आंसर सॉल्व हो जाते हैं। आपको कह रहा था sin⁵θ + cosec⁵θ = 2। अब आप ये सोचो कि साइन का हमारा मिनिमम वैल्यू तो कितना होता है, तो साइन की अगर मिनिमम वैल्यू की बात करें तो आपकी कितनी हो सकती है। आप अगर इसकी ग्राफ में देखो तो साइन की मिनिमम वैल्यू अगर नहीं भी देखो तो आप ये भी कर सकते हो कि प्लस, ये तो आपका प्लस साइन है, तो अगर अगर हम यहाँ पे sin⁵θ = -1 भी रहे तो cosec⁵θ = -1 होगा, बिकॉज ये दोनों तो एक दूसरे के इनवर्स होते हैं। तो -1 - 1 - 2 हो जाता है, यानी कि हमारे यहाँ पे बिकॉज प्लस साइन है तो बस एक ही वैल्यूज आती हैं, बिकॉज ये दोनों तो एक दूसरे के इनवर्स है, तो वो वैल्यू क्या हो सकती है हमारी, तो वो वैल्यू आपका हो जाएगा 1। अगर sin⁵θ = 1 और cosec⁵θ = 1 होगा तब भी ये हमारा पॉसिबल है कि sin⁵θ + cosec⁵θ = 2 होगा। अब यहाँ पे हम देखें तो ये हमारा sin⁵θ = 1 है, cosec⁵θ = 1 हमारा आना चाहिए, तो कैसे आएगा, यहाँ से हम थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे। तो sin⁵θ = 1, तो यहाँ पे हमारा आ गया क्या, तो sin⁵θ = 1 है एंड sin 90 = 1 होता है, यानी कि θ = आ गया 90 डिग्री। अब आप क्वेश्चन में इसे पुट कर दो तो sin⁵5 90 डिग्री + cosec⁵5 90 डिग्री करोगे तो sin⁵5 90, तो 1⁵+1⁵5 हो गया, तो ये आपका आ गया 1+1 यानी कि 2। तो यहाँ से आपको सीखने को क्या मिलेगा, यहाँ से हमें क्या सीखने को मिल रहा है, इस क्वेश्चन से आप इस तरीके के क्वेश्चंस को आपको अच्छे तरीके से ध्यान दिमाग में रखने, बहुत ही ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं कि जब भी आपका दिया रहे, इफ़ आपका दिया रहे कि sin⁵θ + cosec⁵θ = 2 हो, तो आपको हमेशा याद रखना है देन साइन पे कोई भी वैल्यू हो, sin⁵θ + cosec⁵θ = always हमारा 2 होगा। आप इस चीज़ को याद रख लो, इससे आपके बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करने के लिए, बट आपको इन द फर्स्ट लाइन आपको इसे बिना पेन उठाए आपको इसे सॉल्व कर देना है कि इसका आंसर हमारा 2 ही आने वाला है। अगर आप इन छोटे छोटे क्वेश्चन में ही टाइम कम लगाओगे तो आगे के क्वेश्चन जिसमें बड़े बड़े सॉल्यूशन होंगे उसमें आपको आसानी होगी। तो ये हो गया हमारा तीसरा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं, कह रहा है यदि cos²θ / cot²θ - cos²θ = 3, तथा आपको दे रखा है कि थीटा जो है 0 से 90 के बीच है, ना ही 0 है ना ही 90 है, तो हमसे पूछ रहा है थीटा का वैल्यू कितना होगा। अब हम इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ये भी आपका बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। इसको सॉल्व करने का आपका दो तरीका होता है, आपको ध्यान में रखने हैं। एक तो आपका एज्यूमिंग मेथड, आप एज्यूम कर लो, सारे वैल्यूज़ को पुट करके देख लो। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो अगर हम सारे वैल्यूज़ को पुट करें तो आप 30 को पुट करोगे, तो 30 को अगर हम पुट करते तो ऊपर तो हमारा आ रहा है कितना, cos⁵θ = √3/2, तो ये हमारा हो गया 3/4। एंड cot²θ की बात करें तो ये हमारा कितना होता है, तो cot²θ कितना हो जाता है, तो √3 होता है, तो √3² यानी कि 3 - 3/4 करोगे तो ये आपका कितना हो जाएगा। इसे अगर आप सॉल्व करो तो ये हमारा आ जाएगा 3/4 × आपका हो गया 4/9, तो ये हमारा कितना आ रहा है, तो 1/3 आ रहा है। तो ये अगर 1/3 है तो हमारा इन द एट ए माइंड क्या आएगा कि ये अगर 1/3 हो रहा है यानी कि कुछ इसके इनवर्स टाइप का,
तो हम क्यों ना डायरेक्टली 60 लेके देखे। 45 तो किसी भी चीज़ का इन्वर्स कभी हो ही नहीं सकता, तो हमने 60 लेके देखा। तो 60 लिया, 1 तो हमारा कैंसिल हो गया, तो अब हम किस चीज़ को लेके देख रहे हैं, आप 45 भी ट्राई कर सकते हो। बट 45 हमने क्यों नहीं ट्राई किया, बिकॉज कॉट स्क्वायर 45 तो 1 हो ही जाता है। अब 1 माइनस हम करेंगे अगर 3/4, और ऊपर में तो 3/4 खुद ही है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, तो इक्वल टू 3/4 इंटू 4/2, ये आपका कितना हो जाएगा, सॉरी 4 यहाँ पे अगर हम करें तो ये हमारा कितना हो जाएगा, तो ये हमारा कॉस स्क्वायर थीटा है, तो रूट 3/2, तो 3/4 हो गया। अब कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर 45, तो 1 माइनस हमने किया 3/4। अब हम इसे सॉल्व करें तो ये आ रहा है हमारा क्या, तो 3/4 डिवाइडेड बाई हमारा हो जाएगा 4-3 यानी कि 1/4, तो ये हमारा हो गया 3/4 इंटू 4, तो ये हमारा आ गया 3। अब हम नेक्स्ट देखें अगर 60 को भी पुट करके देख सकते हो आप, तो हमने 60 को पुट करके देखा, तो 60 को करते हैं तो कॉस स्क्वायर 60 कितना हो जाएगा, तो 1/2, तो ये हमारा हो गया 1/4, सॉरी हम बिकॉज 45 रख रहे हैं तो हमें तो सारे जगहों पे रखनी पड़ेगी, यहाँ पे तो हमने सिर्फ एक ही जगह पे रखा, तो ये तो हमने गलत आपको वैल्यू ही पुट कर दिया था, इसका नहीं हमारा 3 आ गया था। तो ये अगर हमने किया तो हमने किया 45 करेंगे तो ये हमारा 1/2 आ रहा है, और डिवाइडेड बाई 1-1/2 करें तो यहाँ पे तो हमारा 3 का कुछ भी नहीं आ रहा है, तो 45 तो ऐसे ही कैंसिल हो गया। तो 45 अगर कैंसिल हो गया तब तो हम 60 पे ट्राई करेंगे, तो 60 पे ट्राई किया तो क्या हो गया, तो कॉस स्क्वायर 60 कितना होगा, तो कॉस 60 हमारा होता है 1/2, तो ये हो गया 1/4 डिवाइडेड बाई कॉट स्क्वायर 60 यानी 1/√3 का होल स्क्वायर यानी 1/3 माइनस 1/4, तो ये हो गया 1/4 इंटू आपका कितना आ जाएगा, तो आपने इसे टोटली सॉल्व किया तो इंटू 12, तो ये हमारा हो गया 3। तो ये तो हो गया एक वैल्यू पुटिंग मेथड, आपका सबसे ज़्यादा इजी वैल्यू पुटिंग मेथड ही होता है, बट कभी कभी स्टूडेंट्स को क्या होता है कि वैल्यूज़ याद नहीं रह पाते, तो वैल्यू पुटिंग मेथड गलत हो जाते हैं, स्टूडेंट्स इस पर कन्फ्यूज़ कर जाते हैं, तो हम दूसरे मेथड भी देख लेते हैं। आपको है कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई आपका क्या है, तो कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3, तो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो गया, तो 3 कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 3 कॉस स्क्वायर थीटा। अब हमने इसे सॉल्व किया तो ये हमारा आ जाएगा माइनस 3 इधर आ गया, तो 4 कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3 कॉट स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे हमारा हो गया कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3/4। अब कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, तो कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा से कॉस स्क्वायर थीटा से कैंसिल, तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू आ गया 3/4, तो साइन थीटा इक्वल टू क्या हो गया, तो अंडर रूट 3/2 हो जाएगा। अब साइन थीटा इक्वल टू अंडर रूट 3/2 है, आप जानते हैं साइन 60 इक्वल टू अंडर रूट 3/2 होता है, तो आपका आ गया थीटा इक्वल टू 60 डिग्री, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। तो ये हो गया आपका फोर्थ क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, कह रहा है यदि ए इक्वल टू 10/11 इंटू 10/29, बी इक्वल टू 2 cot 61 इंटू cot 79, तो हमसे पूछ रहा है निम्न में से कौन सा सही है, आपको ए एंड बी का एक्सप्रेशन निकालना है कौन सा सही हो सकता है। तो आप सिंपली कर सकते हो, ए इक्वल टू हमने किया 10/11 इंटू 10/29 आपको दे रखा है, एंड बी इक्वल टू क्या दे रखा है, तो 2 cot 61 इंटू cot 79। अब बिकॉज हमारा ए है 10 में एंड बी है कॉट में, तो हम दोनों में से किसी को भी एक वैल्यू एक चीज़ में चेंज कर दे, तो हमने इसी को कर दिया 10 में, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, तो कॉट 61 है, तो हम इसे लिख सकते हैं 10 90 माइनस 61, और उसी तरीके से ये हमारा हो जाएगा 10 90 माइनस 79। कॉट थीटा इक्वल टू आपको याद रखना है, कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है, तो 10 90 माइनस थीटा, तो यहाँ से हमारा क्या हो गया, तो 2 10 90 माइनस 61 हो गया 29, एंड 10 90 माइनस 79 11, तो हमारा आ गया 2 10 29 इंटू 10 11, तो ये आपका ए का वैल्यू है, तो बी इक्वल टू 2a आ गया, तो ये हमारा कौन सा हो गया, तो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, करे यदि 10 थीटा इंटू 10 2 थीटा इक्वल टू 1, देन हमसे पूछ रहा है साइन स्क्वायर 2 थीटा प्लस साइन प्लस 10 स्क्वायर 2 थीटा इक्वल टू क्या हो सकता है। अब हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, आपको दे रखा है 10 थीटा इंटू 10 2 थीटा इक्वल टू 1। अब आप ये सोचो कि ये हमारा इक्वल टू 1 तो दे दिया, बट ये हमारा इक्वल टू 1 हो कैसे सकता है। अब अगर 10 के सारे वैल्यूज़ देखो तो 10 0 होता है 0, 10 30 होता है √3, 10 30 आपका क्या होता है, तो 1/√3, तो 10 30 हमारा हो गया 1/√3, 10 45 होता है 1, एंड 10 60 होता है √3। अब हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, इक्वल टू 1 दे रखा है एंड इनटू में है,
ये आपका 30 का वैल्यू है, ये 60 का, ये दोनों ही एक दूसरे के इन्वर्स हो रहे हैं, और ये हम देख रहे हैं कि ये दोनों एक दूसरे के डबल भी आ रहे हैं, यानी यही वैल्यू आ जाएगा। आप इसे पुट करके देखो तो टेन 30 इंटू टेन 2 इंटू 30 हम इसे बोल सकते हैं, इक्वल टू आपका 1 आ जाएगा, रूट 3 इंटू 1 बाई रूट 3 इक्वल टू 1 हो गया, या फिर आप कह सकते हैं 1 बाई रूट 3 इंटू रूट 3 इक्वल टू 1 हो गया। तो हमारा सिंपली क्या आ गया, तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि थीटा इक्वल टू हमारा क्या है, तो 30 डिग्री। अब आप इसमें पुट कर दो तो साइन स्क्वायर 2 थीटा प्लस टेन स्क्वायर 2 थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर 2 थीटा, यानी कि साइन स्क्वायर 2 इंटू 30 प्लस टेन स्क्वायर 2 इंटू 30, तो यहाँ पे क्या हो गया, तो साइन स्क्वायर 60 प्लस टेन स्क्वायर 60। अब हमने वैल्यू पुट किया तो साइन 60 रूट 3/2, अब रूट 3/2 को होल स्क्वायर किया तो 3/4 प्लस टेन स्क्वायर 60, तो ये आपका कितना आ जाएगा, तो 3 आ जाएगा, बिकॉज टेन 60 रूट 3। अब हमने इसे टोटली सॉल्व किया तो 3 + 12 यानी कि हमारा कितना हो गया 15/4, तो ये आपका आ गया 3 and 3/4 यानी कि ऑप्शन नंबर सी। तो आज के लिए बस इतना ही, आपको हमारे वीडियो कैसा लगा ये आप हमें लाइक कमेंट एंड शेयर करके ज़रूर बताइएगा। देन बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।